उत्तराखंड में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक शख्स का पैर फिसल गया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो सीधे ट्रेन के नीचे आ गया। हालांकि इसके बाद उसने समझदारी का काम किया और प्लेटफॉर्म से चिपक कर खड़ा हो गया। ट्रेन के डिब्बे एक एक कर उसे पार करते गए। तभी रेलवे पुलिस की महिला कांस्टेबल भी वहां पहुंच गई। उन्होंने उसके सिर को प्लेटफॉर्म के पास सटा कर रखा था। करीब 30 सेकंड तक मौत का सामना करने के बाद आखिरकार ट्रेन रोक कर उसे निकाला गया। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाकर हम सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। कल मथुरा में इसका उदाहरण दिखा है। रॉन्ग साइड पर चल रहे इस ट्रैक्टर पर आप नजर बनाए रखिए। इस ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। गौर से देखने पर समझ आता है कि ये ट्रक ड्राइवर ओवरटेक करना चाहता था, मगर उसने अचानक वहां ट्रैक्टर को देखकर गाड़ी मोड़ दी। उसके बाद ट्रक के पीछे लगे कंटेनर का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे जमीन पर खिसकता चला गया। ये हादसा आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ है। बताया गया कि ट्रक एक पुलिस चौकी से जाकर टकरा गया था। भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने गुजरात के तट पर एक पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया और इस कार्रवाई का भी वीडियो जारी किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने मिलकर ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस पाकिस्तानी जहाज में ड्रग्स लेकर 14 स्मगलर श्रीलंका जा रहे थे, जहां उन्हें ड्रग्स की सप्लाई करनी थी, मगर तभी अरब सागर में इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने उन्हें घेर लिया। इस जहाज में 600 करोड़ की ड्रग्स ले जाई जा रही थी। एटीएस ने जहाज को जब्त कर इसमें सवार 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल के चंबा में सैर पर निकले एक बुजुर्ग की जिंदगी एक सेकंड के भीतर बदल गई। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो में अचानक क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया ना। अब थोड़ा स्लो मोशन में देखिए। ये बुजुर्ग सड़क किनारे चल रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। यहाँ तक कि टक्कर लगने तक बुजुर्ग की नजर भी गाड़ी पर नहीं पड़ी थी। घटना के वक्त ये रिटायर्ड शिक्षक सैर करने निकले थे। घर के कुछ दूर पहुँचने पर ही इनके साथ ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि अभी उनकी हालत कैसी है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के चूरू में शराब के नशे में एक युवक ने कुएं में छलांग लगा दी और उसके बाद बड़े नाटकीय अंदाज में उसका रेस्क्यू हुआ है। पानी और कचरे से भरे कुएं में बैठा ये शख्स एकाएक इसमें कूद गया था। हालांकि इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये डूबा नहीं। ग्रामीणों की मदद से इसके पास रस्सी भेजी गई और फिर धीरे धीरे इसे कुएं से बाहर खींचा गया। ये शराबी कहीं गिर ना जाए इसलिए सिर से लेकर पैर तक इसे रस्सी से लपेटा गया था। मौत को सामने देख ये इतना डर गया था कि इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आखिरकार कुएं से बाहर आने के बाद इसने राहत की सांस ली। राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक कस्बे में काफी देर तक बिजली की सप्लाई रुक गई और ये सब कुछ एक महिला की वजह से हुआ। बिजली के खंभे पर चढ़ी ये महिला इस खंभे पर बिजली की लाइन जोड़ने से नाराज है और इसीलिए इसने खुद ही खंभे पर चढ़कर तार निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो खंभे पर चढ़कर अपशब्द भी कह रही थी। ये वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर के बहरावंडा खुर्द कस्बे का बताया जा रहा है। यहाँ एक निर्माणाधीन घर के पास बिजली के खंभे पर सर्विस लाइन जोड़ी जानी थी, मगर उससे पहले करीब 20 मिनट तक ये महिला खंभे पर चढ़कर इसका विरोध करती रही। हालांकि पुलिस और बिजली विभाग की समझाइश के बाद वो नीचे उतर आई थी। कल अमेठी के लोगों से मिलने के लिए स्मृति ईरानी स्कूटी पर निकली थी। अपनी सांसद को इस तरह स्कूटी पर देख करके लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने पहुंच गए। अमेठी की जनता ने शायद पहली बार अपनी सांसद को इस अंदाज में देखा होगा, तभी तो वो फौरन उनके पास फोटो खिंचाने पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल देर रात अमेठी की सड़कों पर स्कूटी से निकली। किसी आम आत्मनिर्भर महिला की तरह स्मृति ईरानी भी हेलमेट पहने हुए स्कूटी चला रही थी। नामांकन से पहले अमेठी के गौरीगंज कस्बे में उन्हें स्कूटी से घूमते हुए लोगों से मुलाकात करते देखा गया।
अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते मिलते वो बीजेपी ऑफिस भी पहुंची। अगली खबर इटली से है। इटली की सड़कों पर जो बाइडेन, इमानुएल मैक्रों और ऋषि सुनक जैसे बड़े नेताओं की तस्वीरें जलाई गई हैं। इटली में G7 देशों की मीटिंग से पहले बड़ा बवाल हुआ। मीटिंग का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर इमानुएल मैक्रों, जस्टिन ट्रूडो, जो बाइडेन और ऋषि सुनक की तस्वीरें रखी। फिर सामने ही आग जलाई गई, एक एक कर लकड़ियां डाली गई और फिर पुलिस के सामने ही सभी नेताओं की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया गया। G7 देशों पर एकाधिकार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन का भी समर्थन किया था। अमेरिका में मौसम ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। बवंडर की वजह से कई घर और गाड़ियां टूट गई हैं। कहीं घर टूटा है, कहीं पेड़ टूटे हैं, कहीं गाड़ी कबाड़ हो गई, बचा है तो बस मलबा। वो मलबा जो अब किसी काम का नहीं। कहने को तो हवा हमारी जिंदगी का स्रोत है, मगर अमेरिका के ओक्लाहामा में यही हवा वहां के लोगों के लिए श्राप बन गई। कुछ दिनों पहले तक जिन घरों में लोग ठाट बाट के साथ रहते थे, वो बवंडर की वजह से खंडहर हो गए। अमेरिका में बवंडर ने इतनी तबाही मचा दी है कि अब उससे उबरने में बहुत वक्त लगने वाला है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक दारोगा ने पुलिस की वर्दी को बदनाम कर दिया है। वायरल वीडियो में दारोगा महिला डांसर के साथ ठुमके लगाता दिखा। डांसर के साथ स्टेज पर चढ़े दारोगा जी वर्दी पहने हुए ठुमके लगा रहे हैं। एक दो स्टेप करने के बाद वो शर्मा गए, फिर स्टेज पर मौजूद दूसरे शख्स को पकड़कर उठाने लगे। वर्दी तो वर्दी, दारोगा तो सरकारी पिस्टल लेकर ही स्टेज पर चढ़ गए थे। ये वीडियो 21 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है। आरोप है कि मैहर जिले के न्यू रामनगर थाना में तैनात दारोगा सुशील सिंह ने शराब पी रखी थी और उसी के नशे में उन्होंने ये हरकत की है। आचार संहिता के बीच इस वायरल वीडियो ने पुलिस की छवि खराब की है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं। बांदीपोरा में 35 गाड़ियों को बर्फ से निकाला गया। इन गाड़ियों के पहियों से लेकर शीशे तक सब कुछ जाम है। गुरेज और बांदीपोरा को जोड़ने वाली सड़क पर बर्फ की वजह से करीब 35 गाड़ियां फंस गई थी, जिन्हें निकालने के लिए बीआरओ की टीम वहां आई। ट्रक के बड़े बड़े पहिए बर्फ से जाम हो गए थे। बुलडोजर के जोर से ट्रकों को आगे बढ़ाया गया। भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर कई इंच तक बर्फ का कब्जा था। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद बीआरओ ने सभी गाड़ियों को बाहर निकाल लिया। Z News।